वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो मेन मोटिव है होम्योमॉर्फिज्म को स्टडी करने का, और होम्योमॉर्फिज्म को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इनवर्स ऑफ फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन का इनवर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। तो देखिए, दोनों में फ़र्क, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन क्या होती है, सबसे पहले देखिए, अगर हम एक एफ कोई भी फंक्शन लेते हैं एक्स टू वाई, हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, नो कंडीशन, सिंपल हमारे पास एक नॉर्मली एक फंक्शन है। तो जब हम बात करते हैं ए सबसेट है हमारे पास वाई की, ए हमारे पास जब सबसेट है वाई की, तो हम जो एफ इनवर्स ए लेते हैं, इसका मतलब होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज एक्स में है, दैट इज इसमें क्या होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास सच दैट जिनकी इमेज क्या बिलोंग कर रही है हमारे ए सेट में। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है, तो अगर हमारे पास कोई भी इस स्पेस का सबसेट पड़ा होता है तो हम जनरली उस सबसेट का जो है इनवर्स जो है ये डिफाइन कर सकते हैं। फाइन, इसी तरह से एफ इनवर्स वाई जब हम लिख रहे हैं तो ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ इनवर्स जब हम वाई लिखेंगे तो ये इन जनरल में हमारे पास एक्स आ जाएगा। देखिए, ये हम इनवर्स सेट निकाल रहे हैं, डेट इज जो हमारे पास वाई है उसका इनवर्स सेट है, ये बोलते हैं हम इसको इनवर्स सेट है। इसका मतलब हमारे पास ये नहीं है कि ये हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। इट मीन्स जब हम ये सेट लिख रहे हैं सिर्फ ओनली, तो इसमें सिर्फ इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी इमेज है जो हमारी वाई में बिलोंग कर रही है। तो सिंपली मतलब इसका ये होता है। फाइन, तो ये बात हो, अब बात करते हैं हम इनवर्स फंक्शन की। देखिए, जब हमारे पास एक फंक्शन हम लेते हैं एक्स टू वाई, तो जनरली उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता होता। तो इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, एफ को वन वन एंड ऑन टू हमें लेना पड़ता है। कि अगर हमारे पास जो ये फंक्शन एफ है वो वन वन एंड ऑन टू होगा तभी ही उसका हम इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि y टू x हमारे पास ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, यहां पर f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एक वन वन ऑन टू फंक्शन है। बट यहां पर जब हम बात कर रहे हैं f इनवर्स y की, यहां पर सिंपली एक इसका मतलब सबसेट है x का, कोई भी अगर सबसेट लेंगे y का तो f इनवर्स से सिंपली हमें एक सबसेट होगा x का जो इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो दोनों में देखिए डिफरेंस है, यहां पर हमें वन वन ऑन टू की जरूरत नहीं पड़ती फंक्शन जो ये सेट हमें फाइंड करना होता है, तो इस यहां पर हमें इनवर्स वन वन ऑन टू की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब हम ये बात बोल रहे हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब हमें उसकी एग्जिस्टेंस करानी है कि वो एक फंक्शन हमने एग्जिस्ट कराना है, तब हमें वन वन ऑन टू की जरूरत पड़ती है। तो होप सो आपको इन दोनों का डिफरेंस है वो क्लियर होगा। तो अब देखिए, अगर हम एक फंक्शन f होता है वो डिफाइन कर रहे हैं हम x टू y, और हम मानकर चलते हैं कि जो ये हमारे पास फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस मैप है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम लेकर चल रहे हैं x टू y। तो डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, कि अगर हम a कोई भी सबसेट लेते हैं y का अगर हम कोई भी सबसेट लेंगे तो f इनवर्स जो a होगा वो हमारा बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर अगर ओपन सेट लेते हैं तो उसकी जो इनवर्स इमेज है वो हमारे पास ओपन होनी चाहिए इन x में। ये टाउ इसकी टोपोलॉजी है और ये टाउ स्टार हमारी इसमें टोपोलॉजी है, और a हमने कहाँ से लिया है, टाउ स्टार में से। फाइन, तो अगर हम इनवर्स इमेजेस निकाल रहे हैं किसी भी सेट की तो हमें नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर अगर हम ये बात लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इन शॉर्ट में
अगर मैं ये भी लिख रहा हूँ एफ इनवर्स वाई लिख रहा हूँ यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स ओनली कि जो इमेजेस होंगी वाई में वो सेट में एक्स की आ जाएंगी। तो अभी तक हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, फाइन। तो अब देखिए, जब हम एक्स टू वाई एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं, तो जब हम उसको कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो अब हमने उसकी बात करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स की। हमें फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की अब एग्जिस्टेंस करनी है। जब भी हमने अब इनवर्स फंक्शन की एग्जिस्टेंस करनी है तो हमें साथ में जो मैप है वो क्या लेना पड़ेगा, वन वन एंड ऑन टू। जब हम वन वन एंड ऑन टू, अब यहां पर हमने अज्यूम कर लिया कि फंक्शन हमारे पास अब वन वन ऑन टू है, तब अब हम एफ इनवर्स की एग्जिस्टेंस की गारंटी ले सकते हैं कि इसका इनवर्स है वो श्योरली एग्जिस्ट करेगा। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन होगा, एफ इनवर्स हमारे पास एक फंक्शन होगा वाई टू एक्स। तो अब देखिए, अगर हमने जो ये फंक्शन लिया है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया है, तो क्या होगा कि एफ इनवर्स फंक्शन है उसके पास क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो देखिए, तो जनरली में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसका मतलब क्या होता है कि यहां पर जितने भी ओपन सेट्स बने हैं उनकी इनवर्स में यहां पर क्या आ जाएगी, ओपन आ जाएगी। अब इसी पर हम अप्लाई करते हैं। देखिए, हमें एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर हम एक कोई भी एच सेट ले लेते हैं जो ओपन है टाउ स्टार में, मीन्स वो वाइस में हमारे पास एक ओपन हमने सेट लिया, वाई में हमने एक ओपन सेट लिया, यहां से हमें पता है कि जो एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो यहां से हमारे पास एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो दैट मीन्स एफ इनवर्स एच किस में बिलोंग करेगा, हमारे पास टाउ स्टार में बिलोंग करेगा। इट मीन्स हमने एक एफ इनवर्स फंक्शन है हमारे पास, वो हमारे पास वाई स्पेस से एक्स स्पेस पर जा रहा है। अब हमने क्या किया, एक कोई भी यहां से एक ओपन सेट लिया एच और उसकी हमने इमेज निकाली, एच की हमने इस फंक्शन के अंदर इमेज निकाली और वो कुछ यहां पर हमारे पास इस तरह से हमें शो हुई है। बट यहां से देखिए, ये हमारे पास किस में बिलोंग कर, सॉरी ये टाउ में आएगा, इनवर्स फंक्शन फिर टाउ में चला जाएगा ना, ये बिलोंग कर रहा है टाउ में। इट मीन्स अगर हमने कोई भी आर्बिटरी यहाँ से एक ओपन सेट लिया था तो इसकी इमेज हमारे पास क्या बन गई, अब एक ओपन सेट बन गई। तो इट मीन्स एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब एक ओपन मैप बन जाएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है जो कि वन वन एंड ऑन टू मैप है, तो अगर एफ एक्स टू वाई हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वन वन ऑन टू मैप है, तो हम वन वन ऑन टू से ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन है वाई टू एक्स, वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये मैप क्या होगा, हमेशा ही हमारे पास एक ओपन मैप होगा। तो आगे हम फिर से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स टू वाई, और इसकी जो टोपोलॉजी है वो हम टाउ इसको नाम देते हैं और इसको टाउ स्टार नाम देते हैं। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन मैप है और हमने इसका इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन करना है, तो इसीलिए साथ में हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक वन वन ऑन टू मैप है। तो अगर ये वन वन ऑन टू मैप है हमारे पास, तो हम इसका इनवर्स मैप डिफाइन कर सकते हैं वाई टू एक्स, हम ये इनवर्स मैप डिफाइन कर सकते हैं। तो जनरली में होता क्या है कि जब भी हम ये ओपन मैप लेते हैं तो जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाता है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है। तो इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कोई ना कोई एक ओपन सेट लेंगे, हमने एक ओपन सेट लिया टाउ में से, दैट इज ये हमारे पास एक ओपन सेट है इन एक्स में, तो हमने इस मैप को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। तो इसकी हम यहाँ पर आर्बिट्री लिया तो हम इसकी इनवर्स में कैलकुलेट करेंगे, तो इस मैप का
इस मैप के अंदर हम इस सेट की इनवर्स इमेज कैलकुलेट करेंगे। अब ये 1 1 1 2 मैप है तो हमें मालूम है कि अगर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें दोबारा से ये फंक्शन मिल जाएगा। तो इट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए। अब यहाँ से देखिए, एफ हमारे पास एक ओपन मैप है और ए हमारे पास एक्स का एक ओपन सेट है। अगर इसका ओपन सेट है तो इट मीन्स जो एफ ऑफ ए होगा, एफ हमारे पास कॉन्टीन्यूज है, इट मीन्स एफ ऑफ ए किस में बिलोंग करेगा हमारे पास टाउ स्टार में, क्योंकि वो एक ओपन मैप है। तो इट मीन्स एफ ऑफ ए हमारे पास बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे टाउ स्टार में। इट मीन्स इस स्पेस में हमने एक ओपन सेट लिया और उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर जो है हमारे पास एफ ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक ओपन बन गई। तो इट मीन्स जो हमारे पास ये मैप है वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्टीन्यूस मैप बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आ रहे हैं कि अगर हम एफ एक्स टू वाई एक सबसे पहले कॉन्टीन्यूस और 1 1 मैप लेते हैं तो जो इनवर्स मैप होता है हमारे पास वो एक ओपन मैप बन जाता है। सेकेंडली अगर हम एफ एक्स टू वाई एक ओपन और यहाँ पर 1 1 के साथ ऑन टू भी आएगा, हम 1 1 एंड ऑन टू मैप लेते हैं तो जो एफ इनवर्स होता है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एक कॉन्टीन्यूस मैप बन जाएगा। अब हम एक छोटी सी होर है, एक होर कॉन्सेप्ट है हमारा, उसकी भी क्लैरिटी कर लेते हैं अच्छे से ताकि आगे जाकर हमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए हम एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन ले लेते हैं, हम एक यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन ले लेते हैं, ये हमारे पास f है, ये हमारे पास स्पेस x है और यहाँ पर हमारे पास ये स्पेस y है। तो जनरली होता क्या, देखिए f हमारे पास ये मैप है, तब जब हम f ऑफ x निकालेंगे तो वो जनरली हमारे पास सबसेट होता है y का। इट मीन्स यहाँ तक ये हमारे पास सबसेट होगा y का f ऑफ x। फाइन, ये इसका सबसेट होता है। देखिए जब हम जनरली जब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो यहाँ से हम कोई भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगर सबसे पहली बात जो ये एफ ऑफ एक्स है इसे हम बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, इसको ऐसे बोलते हैं हम, जो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसे बोलते हैं हम इमेज ऑफ एक्स। सेकंड बात, अगर एफ हम एक 1 1 मैप ले लेते हैं, एफ हम एक 1 1 मैप ले लेते हैं तो होता क्या है कि जब हम 1 1 मैप लेते हैं तब हम एक्स टू वाई कोई भी एक इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते, बट जनरल में होता क्या है जब हम एफ एक मैप डिफाइन करते हैं एक्स टू एफ ऑफ एक्स, ये मैप हमेशा ही हमारे पास एक ऑन टू मैप होता है, ये मैप हमेशा ही हमारे पास है एक ऑन टू मैप होता है। और अगर हम एफ को एक 1 1 मैप ले लें, अगर एफ हमारे पास एक 1 1 मैप है तो ये मैप यहां से यहां तक अब क्या बन जाएगा, एक 1 1 ऑन टू मैप बन जाएगा। तो इट मीन्स अब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस इमेज सेट से लेकर यहां तक, पूरी की पूरी वाई से नहीं डिफाइन कर सकते बट यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये यूज होता है कि हमारे पास हम इसको इमेज बोल देते हैं। तो आगे जाकर एक टर्म यूज होगी जिसे बोलेंगे होमियोमॉर्फिक इमेज, इट मीन्स उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 1 की ही कंडीशन लेकर चलते हैं क्योंकि एक्स टू एफ ऑफ एक्स जो मैप होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ऑन टू मैप बनता है।